दोस्तों राम की बगिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे पौधे लोटस के बारे में बात करना चाहेंगे जिसके लगाने के लिए किस प्रकार से उसका पौधा लगाएं हम अपने घरों में। लोटस बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ज़्यादातर तालाबों कीचड़ में पैदा होता है। तो अब इस कीचड़ को कहाँ से लाएं, एक सवाल ये होता है, बीज कहाँ से लाएं, दो सवाल, तीसरा लगाएं कैसे। देखिए कमल का पौधा लगाने के लिए दो विधियां हैं। एक तो है आपको सीड से लगाएं। सीड देखिए दोस्तों आपको हम दिखा दें, ये सीड है और इस सीड से भी हम ग्रो कर सकते हैं, जिसको हमें इस तरह से उगाना पड़ेगा, उसकी वृद्धि में थोड़ा सा भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस पौधे को इस बीज से भी हम उगा सकते हैं। दूसरा, बाजार में इसके ट्यूबलर्स मिलते हैं, यानी ट्यूब मिलते हैं जिस नली टाइप के, उसमें जड़ भी होती है, उसको भी आप लगाकर जल्दी उगा सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि इसमें आप जब उगाएंगे इस तरह के पौधों से, इस तरह के बीजों से, तो आपको 5 महीने 4 महीने करीब लगेंगे। सामान्यतः इसका फ्लावर जो है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास आता है, यानी जाड़ा शुरू होने से पहले और बरसात के जस्ट बाद, या बरसात में भी खिलता पाया गया, पुराने पौधे हैं तब। यानी अगर हम लगाते हैं इसको मार्च में, तो आप अक्टूबर सितंबर 5 महीने 4 महीने बाद आप फ्लावर मिल पाएगा आपको। अब अगर आप ट्यूब से लगाएंगे, जैसे मान लीजिए जून में लगा ले ट्यूब से, तो आपको 2-3 महीने में आपको फ्लावर मिल जाएगा। ट्यूब आप ट्यूब्स खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ले लें, या आप बहुत सारी कलकत्ता में नर्सरियां खासकर हैं वहाँ ट्यूब्स मिलते हैं, या आपने लोकल नर्सरी में आपके यहाँ मिल सकते हैं। फिलहाल हमने एक सोचा कि थोड़ा हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, पौधा उगाते हैं। तो पौधा उगाने में हम सफल हो गए हैं। अब उस पर फ्लावर आएगा नहीं आएगा वो आपको समय के साथ हम आपको अपडेट कराएंगे। अब पौधा कैसे उगाना चाहिए इस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जो ये आपको हमने बीज अभी दिखाया था, ये बीज आप कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, किसी नर्सरी से भी ला सकते हैं। अगर क्वालिटी ऑफ बीज चाहिए तो किसी ब्रांडेड कंपनी का भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप पंसारी की दुकान पर जाकर उससे अगर मांगेंगे कि हमें कमल के बीज दे दीजिए, तो वो आपको 10 रुपये 20 रुपये में दे देंगे। 10 रुपये में चार करीब 7-8 मिल जाएंगे आपको बीज, कहीं 20 कहीं मिल सकते हैं, डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ बीज कैसी है। जिस तरह का बीज होगा वैसा ही पैसा लगेगा, 10-20 रुपए में मेरा आपको मिल जाए। हमने 10 रुपए के बीज खरीदे थे, करीब उसमें 8 बीज थे, तो हमने 4 अभी बो दिए थे। 4 में से 3 नहीं 5 बोए थे हमने, इसमें से 4 में से तो निकल आए हैं, एक में से किसी कारण से नहीं निकले हैं। वो कारण मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसमें आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने किया क्या था, इस जो आप देख रहे हैं चम्मच में हमने रखा हुआ ये सीड, सीड को हमने पहले घिसा। इसमें देखना पड़ेगा आपको, एक पॉइंट होगा जिसमें कि थोड़ा सा उभरा हुआ होगा। देखिए ये है ना, इसमें एक तरफ उभरा हुआ है, एक तरफ थोड़ा सा फ्लैट है, तो आप उभरे हुए के साइड से आप थोड़ा सा घिस लें, इस साइड से देखना, इस साइड आप देखेंगे एक तरफ पॉइंटेड है, एक तरफ फ्लैट है, तो उभरे हुए भाग से थोड़ा सा साइड से आप घिस लें। घिसने का तात्पर्य, जब आप घिसेंगे किसी से रेगमाल से घिसना पड़ेगा, या आप किसी रफ वॉल से भी घिस सकते हैं। तो जब आप घिसेंगे तो आप देखेंगे इसमें व्हाइट व्हाइट से दिखने लगा है, बस उतना ही आपको घिसना है, तोड़ना नहीं है आपको। जब हम घिसेंगे तो उसमें व्हाइट व्हाइट सा दिखने लगेगा, और उसका पर्पस केवल इतना सा है कि हमारा जो बीज जिसकी की सतह बहुत ही कठोर होती है, वो सतह को से पानी अंदर चला जाए और आपका हमारा जो सीड है वो सोख कर जाए पानी में। तो हमने इसको घिस के डाला था, 5 घिस कर डाले थे, उनमें से एक ये नहीं उगा है, और इसका कारण ये हो सकता है कि या तो हम इसको प्रॉपरली घिस नहीं पाए, या ये बीज खराब है। अगर ये बीज खराब है तो ये कभी नहीं उगेगा, लेकिन अगर ये बीज सही है और मैंने घिसने में गलती करी है, तो जो बीज हमारे ये चौथे और पांचवें दिन उगे हैं, ये भी 10-12-15 दिन में उगेगा। मेरी बात तो आप समझ रहे होंगे, अगर ये बीज फॉल्टी है, सही बीज नहीं है, तो ये नहीं उगेगा। हमने कोई गलती नहीं करी थी, हमने घिसा सही था,
लेकिन अगर हमने घिसा गलत था, यानी घिसने में कुछ ही छूट गया है जहां, यानी अभी तक पानी जा ही नहीं पाया है, तो इसको सोख करते में जो ये बीज 4 दिन में सोख करके इन्होंने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे ये निकाल दिए हैं, तो ये 15 दिन में आम को निकालना चाहिए। हम वेट करते हैं, नहीं तो इसको एक बार और भिजेंगे, बाद में देखते हैं इसके बारे में। फिलहाल मैंने 5 में से 4 बीज हमारे उगाए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से उगते हैं, आप देख रहे हैं इतना बड़ा इसमें निकला हुआ। इस तरह का ये कल, ये हमने 5 दिन पहले बोया था, 5वां दिन है। हमने 2 बीज इसमें लगा रखे हैं, अभी इसी में से कल लगाए थे हमने, तो हमने कहा इसमें वीडियो बना के आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। अब इसको हम लगाएं कैसे, देखिए ये हमारा एक छोटा सा पॉट है, ये पॉट है, इसमें हमने मिट्टी भरकर इस छोटे से पॉन्ड में डाल रखा हुआ है। पर्पज इतना है, जितना ये पॉन्ड ऊंचा होगा, यानी जितना, उतना इसके परफॉर्मेंस अच्छा होगा। यानी कि जो आपका ये जो ये पॉट है छोटा वाला, जिस मिट्टी का पॉट है जिसमें हमने मिट्टी भरी हुई है, उस वो कम से कम 5-6 इंच नीचे डूबना चाहिए। हमने इसको मिट्टी में लगाया है। अब मैं मिट्टी पे चर्चा बाद में करूंगा किस मिट्टी में लगाया है। तो हमें इस तरह का एक पॉट ढूंढना पड़ेगा, वो अगर आप ये पॉट मिट्टी का होगा तो बेहतर है, वरना आप किसी पॉट में भी लगा सकते हैं। हमने मिट्टी का सेलेक्ट किया है। ये वाला पोर्शन अभी मैं प्लास्टिक का है, लेकिन मैं जैसे ही मिट्टी का मिलेगा इसका, तो मैं मिट्टी का ही इससे थोड़ा बड़ा पॉट लाऊंगा और इससे ऊंचा लाऊंगा, जिससे कि ये जिसमें कि जिसकी हाइट पानी की ज्यादा हो, जिसमें गर्मी ना हो। अभी हमने इसको तो भाई शेड में जहां पर रखा हुआ, जहां गर्मी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर मैं इसको छत पे रख दूं या बाहर रख दूंगा तो ये पौधा अपने आप ही मर जाएगा। तो अब जब ये बीज इस तरह के निकल आए, तो हमें करना कुछ नहीं है, जो ये हमारी ये इस तरह की जो मिट्टी है, इसको थोड़ा सा जगह करके इसमें लगा देना है। तो हमने 2 लगा दिए हैं और वो कल लगाए थे, और देखिए अभी चल रहे हैं और इसमें लग रहा पत्ती सी दिखाई देने लगी है। अब मैं इन दोनों के लिए भी एक इस तरह का पॉट ढूंढ रहा हूं, वो मिल जाएगा तो मैं उसको भी लगाऊंगा इसी तरह से। एक पॉट मैं बड़ा लूंगा जिसमें कि 2-2 करके 2 प्लांट लगाऊंगा, जिसमें 4 हमारे कमल हो जाएंगे। अब मिट्टी कैसे तैयार करनी है? दोस्तों, मिट्टी तैयार करने का तरीका यह है कि आपके पास ऐसी मिट्टी ले जो पॉन्ड की हो। अब आप कहेंगे पॉन्ड की क्यों? पॉन्ड की इसलिए कि पॉन्ड में वो सब मिनरल्स और चीजें होंगी जो एक एक्वेटिक प्लांट को जरूरत होती है। अब हमें तो पॉन्ड मिला नहीं, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास तालाब की मिट्टी थी या हमें जो मिट्टी चिकनी मिली, जिस भी प्लांट में मेरे पास जो थी चिकनी मिट्टी या हमने कहीं से अरेंज करी, उस मिट्टी को थोड़े दिन मैंने उसमें लीफ कंपोस्ट मिलाकर कम से कम 10-12 दिन रख दिया और पानी डाल दिया और उसको उसको एक कीचड़ सा बना दिया। उस तरह से हमने 10 दिन में उसको तैयार किया है। अब उस 10 दिन में तैयार करने के बाद हमने इस पॉट में इसको मिट्टी को रखकर और इसमें ये दोनों पौधे लगा दिए हैं और इसको पानी से अंदर डाल दिया है। अब क्योंकि ये देखिए आप, ये बढ़ रहा है ऐसा लंबा, तो अब इसमें लीफ भी आने वाली है, तो इतना तो कम से कम हाइट हो जिसमें इसकी लीफ तैर सके। तो हमें इतना ऊंचाई का एक पॉट लेना पड़ेगा जिसमें पूरा पानी भर देंगे और उसमें इसको लगाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे प्लांट में फूल जो है 4-5 महीने में आ जाएगा। 4-5 महीने का मतलब मुझे लगता है अगस्त में आना चाहिए। फिलहाल ये प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया है, जैसे इसमें नया अपडेट आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप चाहे तो अभी टाइम है, आप इस मौसम में भी ये इस तरह से सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास फूल नहीं भी आया तो आपके पास कमल का पौधा तो रहेगा ही। अगर इस साल एक्सपेरिमेंट आपका सही रहा तो अगले साल आपको कमल का फूल मिलेगा। तो कमल का फूल आप केवल 10 रुपये मात्र खर्चा करके ही लगा सकते हैं अपने घर में, ये एक तरीका है। इसी प्रकार से जितनी भी वाटर लिली हैं उनको भी लगाया जाता है ट्यूबलर या बीज से। तो अगर वाटर लिली को भी आपको इसी तरह उगाना तो वैसे भी उगा सकते हैं।
और अगर कमल लगाना है तो कमल भी आप लगा। इसकी कई सारी वैरायटी और ब्रांड आते हैं जो कि ऑनलाइन आपको अवेलेबल होंगे, वहां से भी आप परचेज करते हैं। अब आप सोचेंगे हमने यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है इसको। जी हाँ, इसको क्योंकि हमने नीचे ऊपर बहुत हॉट है इसलिए नीचे ला के रखा हुआ है फिलहाल, और इसको आंगन में रखा है जहां पर थोड़ी सी हवा मिलती है, बंद कमरे में नहीं, क्योंकि कमल का फूल जो है वो गर्मी में खिलेगा, यानी कि जब हॉट होगा सनलाइट उसको पूरी चाहिए। हम अपना पूरा अरेंजमेंट जब कर लेंगे, मिट्टी का पॉट ले आएंगे, तो हम इसको धीरे धीरे करके बाहर शिफ्ट कर देंगे। हम वेट कर रहे हैं थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाए, हल्की बरसात के आसपास हम इसको मतलब सूरज की रोशनी में ही शिफ्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी बच्चा है पौधा, इसलिए उसको बचाने के हम प्रयास में अभी इसको थोड़ा नीचे ला के रखे हैं, और दो तीन दिन में जब हम पॉट की व्यवस्था कर लेंगे तो इसको करेंगे, इसको हम पुनः वही गर्मी में धूप में करेंगे, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने के बाद, क्योंकि अभी बहुत बच्चा है और बच्चे को पालना काल के लिए थोड़ा सा जो हैवी सनलाइट है उससे बचाना होगा। दोस्तों, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। लोटस बहुत कम पैसे में उग सकता है, देखिए हालांकि मैं पैसे की बात नहीं करता हूं, आप ट्यूब से भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो पंसारी दुकान से बीज ले आए 10-15 रुपए के, और आप बो कर देख सकते हैं, आप पाएंगे कि बहुत आसानी से हमने जो है लोटस अपने घर में उगा लिया। धन्यवाद दोस्तों, राम की बगिया चैनल में